नमस्कार दोस्तों अभी तक हमने टोटल 94 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए हैं आज हम क्वेश्चन पेपर नंबर 95 डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल के साथ आप सभी को वीडियो का पी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है आप लोग चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं तो पूछा गया है पहले सवाल में कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके आधार पर जो है सत्य कथन का हमें चयन करना है ठीक है तो बोला है कि दी फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश इज पंडित रविशंकर शुक्ल तो फ्रेंड्स हमारे मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर या राज्यपाल पंडित रविशंकर शुक्ल थे क्या तो नहीं थे तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा तो ऑप्शन जो आ, वन है वो कहाँ कहाँ पे दिख रहा है तो ए और सी तो हमारा एलिमिनेट हो जाएंगे ठीक है अगला दिया है कि अनुच्छेद एक के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है बिल्कुल सही है और फिर 165 के अनुसार राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है बिल्कुल सही है फिर 213 के अनुसार राज्यपाल जो है ना वो ऑर्डिनेंस जारी करता है ये स्टेटमेंट भी सही है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी ठीक है अगला सवाल देखते हैं बोला है कि निम्नलिखित में से राज्यपाल के बारे में सही कथन नहीं है ठीक है तो ये हमें बताना है तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय भाई महावीर जो है वो क्या थे गवर्नर थे क्या तो बिल्कुल सही है यह आंसर हो जाएगा उसके बाद जो है सर्वाधिक कार्यकाल हरि विनायक पातस्कर का था ये भी सही है पद पर कार्यरत मृत्यु रामप्रकाश गुप्त की हुई है और यहाँ पे क्या पूछा है सही नहीं है ना तो भगवत दयाल शर्मा दो बार राज्यपाल नहीं रहे हैं ये तीन बार राज्यपाल बने कितने बार तीन बार राज्यपाल बने ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी है ना अगला सवाल क्या बोला है कि मध्य प्रदेश के निम्न विधानसभा अध्यक्षों का उनके कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम जो है व्यवस्थित करना है तो इसमें जो है सबसे पहले आपको काशी प्रसाद पांडे देखने को मिलेंगे मतलब जिनका जो टेन्यर है क्या बोला है इसमें विधानसभा अध्यक्षों का उनके कार्यकाल के अनुसार आरोही मतलब बढ़ते क्रम में तो काशी प्रसाद पांडे हो जाएगा सबसे पहले फिर गुलशेर अहमद हो जाएगा उसके बाद जो है श्री यज्ञ दत्त शर्मा और फिर आ जाएगा आपका ईश्वरदास रूहानी ठीक है तो ये हमारा जो है सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा है ना तो पंडित कुंजीलाल दुबे जो है ये पहले रहे हैं उसके बाद गलशेर अहमद जो है उन्नीस से 77 के बीच में फिर ये आपको सीक्वेंस देखने को मिल रहा है तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ठीक है अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष को उनकी कार्यकाल अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए ठीक है तो इसे हम देख लेते हैं तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा उसके बाद जो है श्यामचरण शुक्ल द्वारका प्रसाद मिश्र और बसंत सदाशिव जो है प्रधान इनका कार्यकाल जो है इसी तरह से ये बढ़ते क्रम में यही हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ठीक है अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री के रूप में क्रमानुसार मध्य प्रदेश के अधोलिखित मतलब एज चीफ़ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉलोइंग आर दी चीफ मिनिस्टर इन असेंडिंग ऑर्डर तो इनको अरेंज करना है तो देखो सबसे पहले जो है प्रकाश चंद्र सेठी अर्जुन सिंह दिग्विजय सिंह और फिर शिवराज सिंह तो ये सारा का सारा सीक्वेंस जो है ना एग्जैक्टली सेम है ये जो आपको टेनियर वगैरह यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है जैसे प्रकाश चंद्र सेठी जो है बहत्तर पचहत्तर में रहे हैं ठीक है उसके बाद जो है अर्जुन सिंह उन्नीस में एक एक ही दिन के लिए बनाया गया था इनको चीफ मिनिस्टर फिर दिग्विजय सिंह है ना उन्नीस सौ फिर अंठानवे से 2003 फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान 2005 से लेकर अभी तक जो है इनके चार टर्म हो चुके हैं अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश के अधोलिखित राज्यपालों को उनके पद ग्रहण तिथि के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए ठीक है तो इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आ जाएंगे श्री के रेड्डी ठीक है फिर आ जाएंगे निरंजन नाथ वांचू फिर उसके बाद जो है भगवत दयाल शर्मा और फिर राम प्रकाश गुप्ता तो आंसर क्या हो जाएगा सी ठीक है इसमें बोल रहा है ऑर्डर ऑफ़ मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी फिर ब, बोला है कि मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम ग्राम सभा कितनी बैठक बुलाई जाती है तो कितनी बार बैठक बुलाई जाती है तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा चार बार ठीक है तो चार बार जो है वो बैठक बुलाई जाती है ग्राम सभा की फिर बोला है अंडर विच एक्ट इंडस्ट्रियल कोर्ट्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश तो ये कौन से अधिनियम के तहत बनाई गई है तो इसे बनाया गया है इंडस्ट्रियल एंड लेबर एक्ट 1960 के तहत ठीक है अगला सवाल देखते हैं इसमें बोला है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद में नियुक्ति हेतु कौन पात्र होता है ठीक है तो ये बताना है तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब एम का मेंबर बिल्कुल सही है फिर मेंबर ऑफ़ यूपीएससी ये भी सही है ये भी सही है ठीक है चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीन बिल्कुल सही है इनको भी जो है आप लोग स्टेट पीएससी में डाल सकते हैं स्टेट की मतलब एम पी की तो ये आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबो ठीक है थोड़ा बहुत जान लेते हैं एम पी के बारे में तो एम पी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनका गठन किया जाता है आर्टिकल 315 के तहत है ना 316 सौ एक जो है उसमें अध्यक्ष और अध्यक्ष की नियुक्ति के अधिकार जो है वो राज्यपाल को है उसके बाद जो है इनका जो टेन्यर होता है वो कितना वर्ष का होता है छः वर्ष और बासठ वर्ष तीन सौ सोलह तीन में दिया है आयोग का अध्यक्ष या सदस्य जो है पुनः उसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ठीक है अगला सवाल इसमें बोला है कि विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रिगार्डिंग दी मेंबर ऑफ़ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तो गलत कथन का चयन करना है ठीक है तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी है ना मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन सेल बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑन दी एक्सपायरी ऑफ ऑफिस टर्म ठीक है तो ये हमारा जो है गलत स्टेटमेंट हो जाएगा अगला सवाल देख लेते हैं इसमें क्या बोला है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं रहा है ठीक है उपाध्यक्ष बोले तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है तो इसमें से कौन नहीं रहा है तो देखो हजारीलाल रघुवंशी रहे हैं फिर कन्हैया लाल यादव भी रहे हैं ईश्वरदास रोहिणी भी रहे हैं बट आपका जो बी आंसर है ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि ये नहीं रहे हैं डिप्टी स्पीकर अगला है कि मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम किस वर्ष जो है वो प्रभाव में आया है तो मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत रेगुलेशन ऑफ सेल्स ऑफ मीट एंड टेस्टिंग एक्ट जो है वर्ष उन्नीस में आया है, ठीक है और जो मध्य प्रदेश ग्राम वाला जो एक एक्ट एक आया था ना वो 2001 में आया था अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सही कालक्रम को बताना है ठीक है तो देखो सबसे पहले जो है द्वारका प्रसाद मिश्र मतलब डी मिश्रा फिर नरेश चंद्र सिंह हो गया फिर प्रकाश चंद्र सेठी और फिर कैलाश चंद्र जोशी तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा आपका ए अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है कि नॉर्वे सरकार के है ना नॉर्वे सरकार के सहयोग से कमज़ोर तबके की महिलाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण देने हेतु तो किस योजना को शुरू किया गया है तो ये स्वावलंबन योजना और नोराड योजना जो है इसको शुरू किया गया है ठीक है तो ये सेल्फ रिलायंस स्कीम है ट्रेनिंग ऑफ अनमेरिड डाइवोर्सड 35 फाइव टू फोर्टी फाइव ईयर्स ऑफ ओल्ड वुमेन टू गेट एम्प्लॉयमेंट मतलब 35 से 45 वर्ष की महिलाओं को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके मतलब जॉब्स वगैरह मिल सके तो कौन कौन सी स्कीम है तो ये हो जाएगा आपका स्वावलंबन स्कीम और नोराड स्कीम अगला सवाल बोला है कि वेयर इज दी ह्यूज पेंटिंग कार्ड जीव वृक्ष लोकेटेड तो जीव वृक्ष नामक विशाल पेंटिंग कहाँ पर स्थित है तो ये असेंबली बिल्डिंग में कहाँ पर मध्य प्रदेश की जो असेंबली बिल्डिंग है ना ये आपको देखने को मिल जाएगा जीव वृक्ष अगला सवाल है बोला है कि दी कंट्रीज़ फर्स्ट डिजिटल हाई कोर्ट कौन सी है तो ये है अलाहाबाद कोर्ट ठीक है कौन सी हाई कोर्ट है अलाहाबाद कोर्ट है ना याद रखिएगा तो मत, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो डिजिटल हाई कोर्ट है उसका नाम है अलाहाबाद हाई कोर्ट बताइएगा कि प्रेजेंट में टोटल कितने हाई कोर्ट है है ना और उसके साथ साथ जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो मेन ब्रांच है ये कहाँ पे लोकेटेड है फिर जो है क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है मध्य प्रदेश के किस ज़िले में अधिकतम ग्राम पंचायतें देखने को मिलती है तो ये रीवा ज़िले में अधिकतम ग्राम पंचायतें है ठीक है कहाँ पर रीवा ज़िले में तो रीवा ज़िले में जो है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम भी देखने को मिल जाता है और रीवा में जो है वाइट टाइगर सफारी भी आपको देखने को मिलती है ठीक है अच्छा आप लोगों से एक सवाल है कि वर्ल्ड की पहली वाइट टाइगर सफारी जो है वो कौन से ज़िले में खोली गई है ठीक है बताइएगा आप लोग करंट का सवाल है मंडीदीप में स्थित ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है तो ये जापान के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है फिर बोला है सीमेंट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध कैमूर फैक्ट्री मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है तो कैमूर फैक्ट्री जो है ये आपको कटनी में देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की जो सबसे पहली फैक्ट्री है ना वो मुरैना में स्थापित की गई थी वर्ष उन्नीस में ठीक है उसकी और उसे स्थापित किया था ए सी सीमेंट ने ठीक है और कैमूर फैक्ट्री की बात हो रही है तो कैमूर आपको कटनी में देखने को मिल जाएगी अगला है कि व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट सिक्योरिटी पेपर मिल सिक्योरिटी पेपर मिल के बारे में हमको सही बताना है तो होशंगाबाद में इसको 1967 में इस्टब्लिश किया गया था ठीक तो है तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है होशंगाबाद में कब इस्टब्लिश किया गया तो 1967 में और जो बैंक नोट प्रेस है ये कहाँ पर स्थित है तो आप लोग बताइएगा ठीक है अगला सवाल है बोला है मध्य प्रदेश में द्वितीय बार राष्ट्रपति शासन जो है उसकी अवधि क्या थी तो 18 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 के बीच में जो है ये लगाया गया था ठीक है और पहला वाला कब लगाया था तो 30 अप्रैल से लेके 25 जून 1977 के बीच में ठीक है तो पहला वाला तो 30 अप्रैल उन्नीस से 25 जून 1977 ठीक है और दूसरा वाला लगा है अट्ठारह फरवरी उन्नीस से नौ जून उन्नीस फिर तीसरा वाला लगाया गया था पंद्रह दिसंबर उन्नीस से छः दिसंबर उन्नीस ठीक है अगला सवाल देखते हैं मध्य प्रदेश की राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन होता है तो ये होता है आपका राज्यपाल मतलब गवर्नर गवर्नर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है आप लोग बताइएगा ठीक है कौन से आर्टिकल के साथ साथ कौन से पर्टिकुलर भाग में इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के अनुसार किसी राज्य के मतलब मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है तो देखो न्यूनतम तो साठ हो सकती है और अधिकतम पाँच हो सकती है बताइएगा कि इंडिया में कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें देखने को मिलती है और सबसे कम कौन सी असेंबली में देखने को मिलती है ठीक है तो आर्टिकल जो हमारा 170 है वो इसी से रिलेटेड है मतलब मैक्सिमम और मिनिमम चीज़ें बताता है सीटों की फिर दिया है कि इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने खुशी विभाग की स्थापना की थी तो दो में जो है हैप्पीनेस डिपार्टमेंट जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ठीक है तो डिटेल देख लेते हैं मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में खुशी विभाग मतलब आनंद विभाग के गठन की स्वीकृति जो है पंद्रह जुलाई दो को प्रदान की गई अट्ठाईस जुलाई दो को भूटान देश की तर्ज पर आईआईटी आई खड़गपुर के सहयोग से हैप्पीनेस इंडेक्स जो है जारी करने की पहल भी शुरू की गई है अगला है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं <coughs> नहीं रहे हैं ठीक है थीके? ये बताना है ये सवाल जो है 2020 में पूछा जा चुका है ठीक है तो देख लेते हैं तो कौन नहीं रहे हैं बताना है ठीक है तो दिग्विजय सिंह रहे क्या तो नहीं रहे मोतीलाल वोरा भी नहीं रहे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा जो है ए ठीक है हमें बताना है नहीं रहे और कौन कौन रहे हैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा और श्यामचरण शुक्ल तो रहे हैं अगला सवाल देखते हैं इसमें क्या बोला है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो कहाँ से दिए जाते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी है ना फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ मध्य प्रदेश अब देखो हाई कोर्ट के केस में ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और ध्यान देने योग्य है <coughs> जो सैलरीज है ना हाई कोर्ट के जजेस की ये कहाँ से जा रही है कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ मध्य प्रदेश से अब जो है इनको पेंशन कौन देता है तो पेंशन देने का काम होता है कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया का ठीक है याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अगला सवाल देखते हैं इसमें क्या बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट के निम्नांकित न्यायमूर्तियों में से कौन से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं तो देखो शरद अरविंद बोबड़े तो निकल गए है ना चीफ़ जस्टिस बन के फिर जे एस वर्मा भी निकल चुके हैं उसके बाद जो है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला भी जो है चीफ जस्टिस रहे हैं तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति आर सी लाहौटी ठीक है अगला सवाल देखते हैं कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए क्या बोला है कि दी मिनिमम प्रेसक्राइब्ड एज फॉर एनी पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायत इस 25 ईयर तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें जो है स्टेटमेंट में हो जाना चाहिए आपकी 21 ईयर की एज अगर एक गलत है तो हमारा आंसर ए भी नहीं हो सकता है ना सी भी नहीं हो सकता हमारा आंसर होगा क्या आप देख लेते हैं तो पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेचर डिजोल्यूशन कंटिन्यूस ओनली फॉर अ रिमाइंडर पीरियड ये भी स्टेटमेंट सही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं इसमें क्या बोला है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों नगर पालिकाओं के नियमित एवं निरंतर चुनाव जो है वो आयोजन करता है तो देखो आर्टिकल 243 के और आर्टिक आर्टिकल 243 फोर्टी जेड ए है ना तो आर्टिकल 243 फोर्टी के के में जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है और साथ ही साथ मतलब इसमें क्या है पंचायतों का इलेक्शन होगा और इसमें म्यूनसिपालिटीज़ का इलेक्शन होगा अगला सवाल है बोला है कि मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर उत्तरदायी है तो किसके के लिए उत्तरदायी होता है तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए कलेक्ट रिवेन्यू के लिए डेवलपमेंट के लिए तो सभी के लिए हो जाएगा अगला सवाल है बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो यहाँ पे क्या है द दि डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय इंडायरेक्ट इलेक्शन तो, तो ये स्टेटमेंट सही है क्या तो बिल्कुल सही है ठीक है उसके बाद जो है पचास परसेंट सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है उसके बाद सरपंच इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय दी पीपल है ना इलेक्शन से डायरेक्टली इलेक्ट होता है तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑल ऑफ दी अबो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फिर दिया है ग्राम पंचायत के संचालित संचालन हेतु निधि किसके द्वारा पारित की जाती है तो ये ग्राम प्रधान के द्वारा और पंचायत विकास अधिकारी के द्वारा तो आंसर क्या हो जाएगा ए एंड सी ठीक है तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत सेक्रेटरी इसका भाग नहीं होता फिर क्या दिया है कि न्यू बैंक पेपर यूनिट जो है वो इस्टेब्लिस की गई है होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में अगला सवाल देखते हैं एक मिनट इसमें क्या बोला है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के संबंध में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है बताना है ठीक है तो इस योजना के बी परिवारों को तीन रुपये प्रति किलो जो है वो गेहूँ दिया जाएगा बिल्कुल सही है फिर है योजना में बी परिवारों को रुपये फोर पॉइंट फाइव ज़ीरो प्रति किलो चावल उपलब्ध किया जाएगा ये भी सही है बीपीएल परिवार को प्रति माह अधिकतम बीस किलो अनाज जो है वो दिया जाएगा उपरोक्त सभी कथन जो है वो आपका सत्य हो जाएगा अगला क्या है जय किसान माफ़ी ऋण योजना का शुभारंभ किस ज़िले से किया गया है तो ये रतलाम ज़िले से किया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है तो मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना का शुभारंभ 22 फरवरी 2019 को जो है रतलाम ज़िले से किया गया कहाँ से किया गया है रतलाम ज़िले से है ना जय किसान ऋण माफ़ी योजना बाईस फरवरी दो से इसका शुभारम्भ किया गया है रतलाम ज़िले से अगला है कि नगरी निकाय की बैठक में किसी सदस्य हेतु किसी प्रस्ताव को लाने हेतु कितने समय पूर्व अध्यक्ष को अवगत कराना होता है तो एक सप्ताह पूर्व जो है अध्यक्ष को अवगत कराना होता है अगला है कि मध्य प्रदेश में पहला निजी क्षेत्र का रेल इंजन बनाने का कारखाना जो है ये कौन से जिले में स्थापित किया जाएगा तो ये सीहोर जिले में इसको स्थापित किया जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सीहोर ठीक है अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या बोला है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य औद्योगिक नीति जो है वो कब लागू की गई थी तो ये वर्ष उन्नीस में जो है आपको भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति वर्ष उन्नीस में लागू की गई थी अगला सवाल है कि नंदीशाला योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है तो नंदीशाला योजना का उद्देश्य है कि बेहतर देशी नस्लों के प्रजनन हेतु बेहतर अनुवांशिक क्षमता के बैल का उपयोग करना अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है कि मध्य प्रदेश में क्रियान्वित पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करना है ठीक है किसका सत्य कथन का तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना हम देख लेते हैं <स्थिण> क्या होगा कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में हैंडलूम संचला संचालनालय की स्थापना की गई थी तो सही है इस पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश निर्यात निगम का जो है इसको इस्टब्लिश किया गया था फिर पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में ट्राईसेम योजना को प्रारंभ किया गया था योजना में सर्वाधिक व्यय जो है कृषि विकास में हुआ तो बिल्कुल सारे स्टेटमेंट जो है आपको सही देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो ये देखो ये सारे का सारा स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर देखिएगा अगला है मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में असत्य कथन बताना है है ना तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना वर्ष उन्नीस में की गई यही स्टेटमेंट हमारा गलत है तो मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति उन्नीस में और नवीन औद्योगिक नीति दो में स्थापित की गई है ठीक है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का गठन जो है उन्नीस में किया गया है, ना कि उन्नीस में तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा उन्नीस जनपद पंचायत समिति के सदस्य जो है वो कौन होते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं है ना डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं अगला है कि निम्नलिखित मतलब इसको मैच करना है तो मैच कर लेते हैं तो देखो अदरक जो है वो कहाँ पे होता है तो छिंदवाड़ा में होता है गन्ना कहाँ पे होता है तो गन्ना होता है आपका होशंगाबाद में ठीक है उसके बाद मिर्च कहाँ होती है तो मिर्च होती है खरगोन में और सरसों होती है मुरैना में तो आंसर हो जाएगा आपका सी ठीक है देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है अदरक छिंदवाड़ा में गन्ना होशंगाबाद में मिर्च खरगोन में और सरसों मुरैना में अगला सवाल है यहाँ पे दिया है एक साइड में दिया है सब्जी और दूसरे साइड में दिया है जिला ठीक है तो यहाँ पर क्या है आलू जो है वो इंदौर में होता है ठीक है और धनिया पत्ती जो है वो गुना में प्याज का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है तो ये होता है फ्रेंड्स खंडवा में और लहसुन होता है मंदसौर में तो आंसर हमारा हो जाएगा सी ठीक है तो आलू इंदौर में धनिया पत्ता गुना में प्याज जो है खंडवा में और लहसुन मंदसौर में अगला है कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में से निम्नलिखित फसलें होती है तो इसमें गन्ना होता है तुअर होता है और चना होता है क्या होता है गन्ना तुवर और चना तो देखो इसमें क्या है ना गन्ना भी होता है अरहर होता है चना चावल जो है ये कई प्रकार की फसलें जो है इस प्रकार के एरिया में आपको देखने को मिलती है अब देखो सबसे ज़्यादा बारिश किस पर्टिकुलर एरिया में होती है तो मध्य प्रदेश का हम मैप बना लेते हैं ये मध्य प्रदेश का मैप है तो मध्य प्रदेश का ये वाला जो भाग है ना यहाँ पे आपको 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश देखने को मिलती है और यहाँ पचमढ़ी में तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है फिर बोला है मध्य प्रदेश बीज एवं कृषि विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे देखने को मिलता है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये स्थापित किया गया है ठीक है अगला है कि भेल कहाँ पर है तो ये भी भोपाल में स्थित है उन्नीस में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से अगला है कि मध्य प्रदेश औद्योगिकरण के मामले में देश में कौन सा स्थान है तो मध्य प्रदेश जो है वो सातवें स्थान पर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में वर्तमान में किस उद्योग में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आपको देखने को मिलता है तो हम जो है ना कॉपर के प्रोडक्शन में नंबर वन पे है कहाँ पे इंडिया में ठीक है तो कॉपर प्रोडक्शन नंबर वन अगला है <coughs> मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का नाम बताना है तो इसका नाम है मृगनैनी तो मृगनैनी जो है वो मध्य प्रदेश उद्योग निगम के द्वारा चलाया जा रहा है कहाँ कहाँ पे भोपाल में इंदौर में रीवा में जबलपुर में ग्वालियर में और उज्जैन में ठीक है इसका नाम मृगनैरी रखा गया है अगला सवाल क्या बोला है मंडीदीप रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री जो है किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की सहायता से स्थापित की जा रही है तो ये जापान के सहयोग से जो है हमने ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री को इस्टैब्लिश किया है कहाँ पर किया है तो ये रायसेन ज़िले में है ना मंडीदीप रायसेन में आता है कागज़ उद्योग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो करेंसी नोट प्रेस प्रोडक्शन मिल जो है वो कहाँ पे है देवास में है क्या नहीं ये होशंगाबाद में स्थित है ठीक है अगला सवाल क्या बोला है कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी तो वर्ष उन्नीस में की गई थी लघु उद्योग बोले तो स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन इस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश इन नाइनटीन फिर क्या दिया है किसका मुख्यालय इंदौर में है तो किसका मुख्यालय है तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय आपको इंदौर में देखने को मिलेगा एम पी का मुख्यालय भी आपको इंदौर में देखने को मिलेगा अच्छा बताइए कि एम पी को इस्टैब्लिश कब किया गया था ठीक है और पहले इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन थे मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लिमिटेड स्थित है तो ये कहाँ पे है तो गोसलपुर जबलपुर में ठीक है तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड जो है वो गोसलपुर जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश का निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है तो पीथमपुर में किया गया है निर्यात संवर्धन बोले तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क एमपी जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है तो पीथमपुर में पीथमपुर कौन सी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आता है आप लोग बताइएगा अच्छा ये भी बताइएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो पर्टिकुलर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट किया गया है अगला है यहाँ पे सही जोड़ी मिलाना है तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये होशंगाबाद में स्थित है मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस जो है देवास में है न्यूज़ पेपर मिल कहाँ पर स्थित है तो ये न्यूज़ पेपर मिल आपको देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स बुरहानपुर में और सरकारी आयुध निर्माण जो है ये खमरिया जबलपुर में तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए अगला सवाल है क्या बोला है कि यहाँ पर फिर से सही जोड़ी मिलाना है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है इसको कब इस्टब्लिश किया गया है तो ये 1965 में ठीक है कब किया गया है 1965 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग 1961 में वस्त्र उद्योग 1976 में उसके बाद राज्य उद्योग निगम 1969 में तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा आपका सी ठीक है वन टू थ्री फोर ऑलरेडी मैच किए हुए वो अब देख लेते हैं यहाँ पे फिर से सही जोड़ी मिलाने बोला है ठीक है तो प्लेथिको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है ये कहाँ पर स्थित है तो इंदौर में स्थित है रेनबेक्सी फार्मास्यूटिकल देवास में स्थित है ठीक है उसके बाद मेडिकैप्स लिमिटेड जो है पीतमपुर धार में है और आई पी सी ए फार्मास्यूटिकल रतलाम में तो आंसर क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर अगला क्या दिया है भारतीय मुद्रा कहाँ पर मुद्रित होती है तो भारतीय मुद्रा जो है ये देवास में मुद्रित होती है और 1975 में देवास में जो है ना ये प्रिंटिंग प्रेस को लाया गया था है ना वित्त मंत्रालय बोले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग बोले तो हैंडलूम इंडस्ट्री जो है ये कहाँ पे देखने को मिलती है तो बुरहानपुर में देखने को मिलती है और सबसे पहली इंडस्ट्री भी आपको बुरहानपुर में ही देखने को मिलेगी फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन दी कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड सिटी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी ठीक है ये सागर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा सागर अगला सवाल देखते हैं इसमें बोला है कि आगासोड़ बीना में तेल रिफाइनरी जो है वो किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है तो ये की गई है ओमान के सहयोग से किसके सहयोग से ओमान के सहयोग से ठीक है ओमान कहाँ पर स्थित है तो ओमान जो है वो अफ्रीकन कंट्री है अगला सवाल है कि नेपा नगर के कागज़ उद्योगों को कौन सा बिजली संयंत्र थर्मा थर्मल पावर की आपूर्ति करता है ये करता है चांदनी थर्मल पावर स्टेशन कौन करता है चांदनी थर्मल पावर स्टेशन और ये कहाँ पर स्थित है तो फ्रेंड्स ये जो है आपको नेपा नगर में देखने को मिल जाएगा ठीक है तो ये जो है आ, क्या हो जाएगा आपका चांदनी वाला जो है ना बुरहानपुर में स्थित है और इसको 1953 में इस्टेब्लिस किया गया था ठीक है और ये जो है नेपा नगर को बिजली प्रोवाइड करता है जो हमारी इंडस्ट्री है ना उसको कागज़ उद्योग को बिजली की आपूर्ति करता है ठीक है सबसे पहला यही है है ना थर्मल पावर स्टेशन अमरकंटक और सतपुड़ा किस प्रकार के बिजली स्टेशन है तो कोयले से चलने वाले थर्मल पावर स्टेशन है ना कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन अगला क्या दिया है मध्य प्रदेश में राज्य योजना बोर्ड या स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो है वो कब बनाया गया था तो ये 24 अक्टूबर उन्नीस को बनाया गया था तो द स्टेट प्लानिंग बोर्ड वाज कंस्टिट्यूटेड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ़ मध्य प्रदेश ऑन ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर 1972 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर दिया है राज्य योजना बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो मुख्यमंत्री होता है जैसा कि आपको सेंट्रल में प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन देखने को मिलता था प्रधानमंत्री देखने को मिलता था तो वैसे ही प्लानिंग कमीशन तो अब तो खत्म हो गया है ना इंडिया में अब नीति आयोग बन गया उसकी जगह पर तो बताइएगा कि नीति आयोग कब बना प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ये क्या था तो अर्थव्यवस्था के कृषि आधार को मजबूत करना देखो आज़ाद हुआ ना इंडिया तो इंडिया आज़ाद होने के टाइम पे इंडिया में कोई ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी नहीं है ना सर्विस सेक्टर भी ज़्यादा था नहीं तो हमारा जो मेन फोकस था वो क्या था प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करना प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आते है एग्रीकल्चर आता है माइनिंग आती है है ना तो इस सेक्टर को अगर हम डेवलप करेंगे तो यहीं से हमारी इनकम जनरेट होगी तो यहीं से जो है ना हमारी शुरुआत होती है और एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज़्यादा जो है यहीं पे अपने को देखने को मिलता है और आज की डेट में भी एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में पहली बार मेयर इन काउंसिल सिस्टम की स्थापना जो है स्थान पर लागू किया गया था तो कहाँ पे तो इंदौर में किया गया था ठीक है कहाँ पे इंदौर में अगला सवाल है बोला है डिड मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पासड दी सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट बिल तो ये पास किया गया है उनतीस दिसंबर उन्नीस सौ तिरानवे को फिर दिया है कि मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग की स्थापना जो है वो कब की गई थी तो इसकी स्थापना की गई है फरवरी उन्नीस सौ चौरानवे में फरवरी उन्नीस सौ चौरानवे में ठीक है अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या बोला है कि तिहत्तरवें संविधान संशोधन के अनुसार ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए थे तो ट्वेंटी नाइन सब्जेक्ट इसमें सौंपे गए हैं ठीक है किसमें ग्यारहवीं अनुसूची में और बारहवीं अनुसूची जो कि म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड इसमें आपको टोटल अठारह सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो है इसका नाम क्या था तो इनका नाम है सरोजिनी सक्सेना फिर दिया है किस आयोग ने लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी तो ये पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था ना उसके द्वारा ये एडवाइस दी गई थी 1969 में फिर दिया है बेंडिड क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है तो ये जाना जाता है फूलन देवी को किसको जाना जाता है फूलन देवी है ना अगला सवाल है कि निम्नलिखित को मिलाना है ठीक है अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी दी है चंबल की भी जो फूलन देवी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह के सामने कई शर्तें लगाकर आत्मसमर्पण कर दिया था तो ये पूछा जा सकता है कि किसके समय पे जो है इन्होंने रिबेलियन किया था तो अर्जुन सिंह जो है उस समय मुख्यमंत्री थे अब जो है हमारे साथ में क्या दिया है सिचुएशन आ, सही जोड़ी मिलाना है सरपंच जो है इसका इलेक्शन कैसा होता है तो इसका इलेक्शन जो है प्रत्यक्ष होता है मेयर का इलेक्शन कैसा होता है तो ये भी प्रत्यक्ष होता है ठीक है और उसके बाद जो है उप सरपंच उप सरपंच का इलेक्शन कैसा होता है तो भैया अप्रत्यक्ष होता है पंचायत सचिव का कैसे होता है तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी अगला सवाल है बोला है निम्नलिखित को मिलाना है ठीक है तो फिर से जो है मिलान करने के लिए बोला है तो जिला पंचायत जो है इसमें दस से पैंतीस वार्ड हो सकते हैं ठीक है उसके बाद जनपद पंचायत तो जनपद पंचायत में कितने वार्ड होने चाहिए तो ये होने चाहिए दस से पच्चीस ग्राम पंचायत में कितने होने चाहिए दस से बीस नगर परिषद में पंद्रह से चालीस तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी अगला सवाल है बोला है मध्य प्रदेश का राज्य विधानमंडल क्या मिलकर बनता है तो क्या क्या मिलकर बनता है तो राज्यपाल और राज्य विधानसभा क्यों क्योंकि हमारे यहाँ तो काउंसिल तो है नहीं तो राज्यपाल और आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली इन दोनों को मिलाकर के जो है हमारे यहाँ विधानमंडल बनता है मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में विपक्ष के पहले नेता जो है इनका नाम क्या था तो इनका नाम था विश्वनाथ यादव तामस्कर ठीक है विश्वनाथ यादव राव तामस्कर फिर यह है कि मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या था तो इनका नाम था श्री विष्णु विनायक सरवटे विष्णु विनायक सरवटे फिर दिया है ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठकें अनिवार्य होती है तो प्रतिवर्ष चार बैठकें जो है वो अनिवार्य होती है कितनी चार बैठकें अनिवार्य होती है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है तो ये सरपंच करता है कौन करता है सरपंच सरपंच कैसे इलेक्ट होता है तो डायरेक्टली इलेक्ट होता है पंचायत अपना वार्षिक बजट अनुमोदन के लिए किसके सामने रखती है तो ये रखती है ग्राम सभा के सामने किसके सामने ग्राम सभा के सामने अगला है कि तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है तो इसका जो है हमें आंसर बताना है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन बना है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनी स्टेट फाइनेंस कमीशन बना है ठीक है स्टेट वेल्थ टैक्स वैल्यूएशन बोर्ड बना है क्या तो नहीं बना है अच्छा बताइएगा कि ये जो तीनों कमीशन जो मैंने बताया है ना एक तो आपका फाइनेंस कमीशन इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी तो खैर कमेटी है तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मैं आर्टिकल बता देता हूँ टू फोर्टी थ्री जैड डी ठीक है टू फोर थ्री जैड डी ठीक है इसमें जो है किसका वर्णन किया गया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का तो बताइए स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कौन से आर्टिकल में किया गया है अगला है कि पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है तो पंचायत राज्य ग्राम मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगी तो ये स्टेटमेंट गलत है अगला सवाल देखते हैं बोला है वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर लागू करने की अनुशंसा कौन सी समिति ने दी थी तो ये है शंकर आचार्य समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये है ना तो 2017 में जो है हमने 1 जनवरी से 31 दिसंबर का जो है ना फाइनेंशियल ईयर डिसाइड किया बट इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी तो शंकर आचार्य समिति ने दी थी ठीक है अगला है 2018-19 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत जो है वृद्धि देखने को मिली है तो ये 9.71 परसेंट अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो देख लेते हैं बोला विधानसभा मतलब द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीजेस टू एग्जिस्ट सेल वेकेट हिज और आर ऑफिस तो ये सही है वे क्या दिया है क्या बोला है यहाँ पे कथन सही है पूछा है ना तो विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा में नहीं रहता है तो अपने पद रिक्त कर देगा सही है क्या बिल्कुल सही है जब कभी विधानसभा का गठन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है तो बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा केवल ए अगला सवाल है कि वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष में कितने राशि उपलब्ध कराई गई थी तो एक करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो मध्य प्रदेश का ही नहीं है इंडिया का जो है फर्स्ट है है ना कौन सा इंदौर अच्छा बताइएगा कि जो सर्व स्वच्छ सर्वेक्षण है वो कौन सी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री करवाती है एक नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री जो है वो कौन थे तो इनका नाम है दिग्विजय सिंह शंकर दयाल शर्मा कहाँ के राज्यपाल कभी नहीं रहे हैं तो कहाँ के नहीं रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश के नहीं रहे ठीक है तो ये मध्य प्रदेश के नहीं रहे क्यों नहीं रहे क्योंकि ये पर्टिकुलर मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते थे है ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश ये प्रेसिडेंट बने, है, बने हैं है ना उसके बाद जो है अगला सवाल है कि पहला गवर्नर जिसने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया था इसका नाम है एस एन सिन्हा क्या है एस एन सिन्हा तो एस एन सिन्हा पहले गवर्नर थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया था पहला राष्ट्रपति शासन कब आया था 1977 में दूसरा 80 में तीसरा बयानवे में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है तो ये जबलपुर में स्थित है तो महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जबलपुर में आपको देखने को मिल जाएगा अगला है कि निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में तीन कार्यकाल जो है कर चुका है तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवत दयाल शर्मा भगवत दयाल शर्मा बिल्कुल सही आंसर है मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन किया गया था तो वर्ष उन्नीस में किया गया था कब किया गया था वित्त आयोग का गठन उन्नीस आर्टिकल टू आई के तहत जो है इसका गठन किया जाता है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है तो आर्टिकल 176 में आपको विशेष अभिभाषण देखने को मिल जाता है जिला पंचायत के गठन हेतु न्यूनतम जनसंख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए तो 50,000 होनी चाहिए फिर दिया है कौन सा ही सुमेलित नहीं है तो देखो आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा के बारे में बात करता है 243 डी पंचायतों में आरक्षण के बारे में बात करता है 243 फोर्टी थ्री ई पंचायत का कार्यकाल है तो उपरोक्त तो सभी स्टेटमेंट बिल्कुल 100 परसेंट सही है फिर दिया है 243 जी में उल्लेखित कौन सा पंचायत का कार्य सकतियाँ नहीं है ठीक है तो परिवार कल्याण है पुस्तकालय है सामाजिक वाणी की है उपरोक्त तो सभी कार्य है ठीक है तो ये हमने टोटल हंड्रेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए है अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद